कौशल विकास एवं महिला सशक्तिकरण विषयक महिला अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यशाला का शुभारम्भ किया तथा कार्यशाला के दौरान अपने कौशल के दम पर रोजगार हासिल करने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय की बात करते थे, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक शिक्षा और रोजगार पहुंचाने की बात करते थे। केंद्र और प्रदेश सरकार अपनी नीतियां किसी रीजन के साथ बना रही है। प्रदेश सरकार 80,000 करोड़ के स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि एक व्यक्ति आजीवन एक विद्यार्थी के रूप में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार महिलाओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष अंजू चौधरी सहित प्रोफेसर, शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह एवं व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, कैसे बातचीत करनी है, कैसे मिलना है,
शिष्टाचार क्या होता है, बड़ों का सम्मान कैसे होगा, मित्रों से हम कैसे मिलते हैं, मजाक भी करेंगे तो किस लेवल की करेंगे, ठीक है ना। और हमारा स्तर क्या होना चाहिए, हमारा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, हमारा खड़ा होने का ढंग कैसा हो, हमारा बैठने का ढंग कैसा हो, जब हम दोस्तों बैठे बॉयज के साथ बैठे तो हमारा ढंग कैसा हो, जब गर्ल्स के साथ बैठे तो कैसी हो, ये बहुत सारी बात इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हम सबके स्किल रहता है। और बहुत सारी बातें इस क्षेत्र के माध्यम से सरकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्य प्रधानमंत्री बने 2014 उससे पहले मैं जाना चाहूंगा भैया दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय के पर्यावरण तो दीनदयाल जी को थोड़ा बहुत किसने पढ़ा गया स्टूडेंट से कोई हाथ उठाए तो आप कुछ हुआ नहीं। मैं प्रोफेसर दिव्यारानी सिंह, यहाँ पे मैं गृह विज्ञान विभाग। आज का कार्यक्रम कौशल विकास को नहीं था, क्योंकि हम सभी NEP 2020 के माध्यम से बच्चों को कौशल विकास के बारे में बता रहे हैं, पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन जब हमारे बीच में जो इसके लीडर्स हैं वो जब आते हैं और वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो बच्चों को ज़्यादा सुगमता से समझ में आता है कि अगर वो कौशल विकास पर अपना ध्यान देंगे तो वो बहुत स्वावलंबन की तरफ ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो इसी चीज़ को लेकर के महिला अध्ययन केंद्र और गृह विज्ञान विभाग की तरफ से यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जो कुलपति जी के निर्देशन में हुआ। और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि थे श्री कपिल देव अग्रवाल जी, जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के, वो आज हमारे बीच में थे और उन्होंने बहुत सारी बातें जैसे कि, और उन्होंने हमें ये भी बताया है कि वो शायद हमारे विश्वविद्यालय में कौशल विकास केंद्र की स्थापना भी बहुत जल्दी ही कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करेंगे, जिससे हमारे बच्चों को मौका मिलेगा कि वो स्वावलंबन और कौशल को सीखते हुए स्वावलंबन, पढ़ते हुए स्वावलंबन की तरफ कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं। जी, उन छात्राओं को प्रशस्ति पत्र इसलिए भी दिया गया है क्योंकि ये छात्राएं जो हैं वो हमारी टॉर्च बेयरर हैं, ये पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी कर रही हैं कौशल के माध्यम से ही। इसमें से कुछ छात्राएं जो हैं जो हस्तशिल्प के माध्यम से ऑर्डर्स लेती हैं, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर इनका अकाउंट है, वहाँ पर ऑर्डर ले रही हैं, भी फ्रीलांसिंग के थ्रू फिलहाल पॉकेट मनी ही अपना अर्जित कर रही हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रेरणा है क्योंकि इनके छोटे ही उद्यम से जो आसपास में साथ में पढ़ने वाली बच्चियां हैं उन तक ये मैसेज पहुंच रहा है कि यह कितना ज़रूरी हो गया है और इससे अगर वो आत्मनिर्भर बनती हैं तो आगे का जीवन उनका बहुत सुगम होगा। आज ये महिला सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके नेतृत्व में लगातार महिलाओं के लिए चलाए जा रहे इनोवेशन कार्य और विशेष रूप से हमारा विभाग व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास, उसी के ऊपर छात्रों से बातचीत करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी गोरखपुर विश्वविद्यालय में आज आना हुआ और बच्चों के साथ इनोवेशन की बातचीत की, बच्चों को मोटिवेट किया और किस प्रकार से राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम कैसे अपने आप को स्वरोजगार से जोड़ करके, कौशल विकास से जोड़ करके अपने आप को स्वावलंबी बना सकते हैं और कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उसको डेवलप करने का काम कर सकते हैं, उन्हीं सब बिंदुओं पर बातचीत हुई है और बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। धन्यवाद। बच्चों को प्रशस्ति पत्र दिया गया, जो बच्चे कौशल विकास के अंदर नया इनोवेशन कर रहे हैं उनको भी प्रशस्ति पत्र देने का काम किया।